हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उत्तराखंड के राज्य मंत्री प्रकाश चंद्रा की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें उत्तराखंड के राज्य मंत्री और उनके गनर बाल बाल बचे। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन मंत्री की गाड़ी को टक्कर मारकर फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के राज्य मंत्री प्रकाश चंद्रा अपनी गाड़ी में सवार होकर दिल्ली से उत्तराखंड के लिए जा रहे थे। हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड। तो कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? दिल्ली से हल्द्वानी जा रहे थे। तो कैसे कैसे हुआ एक्सीडेंट? एक गाड़ी बीच में आई, उससे टकराई, उसके बाद गाड़ी घूम गई। हाँ, हम लोग गाजियाबाद से आ रहे थे, हल्द्वानी जा रहे थे हम। तो हमें ओवरटेक कर रहा था, स्लेटी कलर की थी गाड़ी वो, तो उसने हमें टक्कर मारी। सबसे निचली वाली लेन में बाइक वाला चल रहा था, एक हमें टक्कर नहीं मारी होती तो बाइक वाले को मार देता हूँ। ओवरटेक कर रहा था तो हमें टक्कर मारने के बाद वो फरार हो गया। हमारी गाड़ी घूमी, बिल्कुल घूम गई हमारी गाड़ी। हमारी गाड़ी ड्राइवर ने फिर ब्रेक लिया, गाड़ी पूरी घूम गई। गाड़ी घूमने के बाद हम इसमें ओवरफिट में आ गए। पैरा तो आपके साथ गाड़ी में कौन बैठे हुए थे? हमारे साथ माननीय मंत्री श्री प्रकाश चंद्र हरबोला जी बैठे हुए थे, राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार। गाड़ी में राज्य मंत्री और उनका गनर सवार था। तभी थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें राज्य मंत्री की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और राज्य मंत्री व उनका गनर बाल बाल बचे। मंत्री की गाड़ी को टक्कर मारकर अज्ञात वाहन फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ आरिफ कसर, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।